प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग आज एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है वो क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया या इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ढेर सारे ऐसे काम होते रहते हैं जिस पर कि हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण, ब्रेन का नियंत्रण रहता है। हमें यहाँ पर लिखना है या नहीं लिखना है, छोटी साइज का लिखना है, ग्रीन मार्कर से लिखना है, ब्लू मार्कर से लिखना है, रेड से लिखना है, ये काम हमारा ब्रेन का सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, ऐच्छिक कार्य। ठीक है, यानी कि ऐच्छिक कार्य क्या है कि वे कार्य हमारे शरीर में होने वाले वे कार्य जिसको हमारा ब्रेन का सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क नियंत्रित करता है, उसे हम ऐच्छिक कार्य कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर में ढेर सारे ऐसे भी कार्य होते रहते हैं जिसको कि हमारा ब्रेन नियंत्रित नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता है, ऐसे कार्यों को हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक कार्य। ठीक है, तो एक चीज हमने कहा कि एक जो है कि कैसे कार्य हो गए ऐच्छिक, ऐच्छिक कार्य, और दूसरा कैसा हो गया अनैच्छिक कार्य। ठीक है, अनैच्छिक कार्य। तीसरी चीज जो हम अभी देखने जा रहे हैं वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि अगर हमारे शरीर के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर कोई उद्दीपन यानी स्टिमुलस, कोई उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब कि जैसे सर्दी है, गर्मी है, धूप है, या इस तरीके के जो भी वातावरण में होने वाले परिवर्तन, उन्हीं को क्या कहते हैं, उद्दीपन, स्टिमुलस। अगर हमारे शरीर के ऊपर कोई उद्दीपन लगता है और उस बाह्य उद्दीपन के कारण हमारे शरीर में कोई ऐसा अनैच्छिक कार्य हो जो कि कैसा हो, बहुत ही तीव्र गति से हो, अनायास हो और सहज तरीके से घटित हो जाए, उसी अनैच्छिक कार्य को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। यहाँ पे मैं उसकी परिभाषा को लिख दे रहा हूं कि बाह्य उद्दीपन के कारण, बाह्य उद्दीपन के कारण हमारे शरीर में होने वाला अनैच्छिक कार्य जिस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर पे कोई उद्दीपन लगा और उस उद्दीपन के कारण हमारे शरीर से होने वाला वह अनैच्छिक कार्य जिस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। इस प्रतिवर्ती क्रिया को सर्वप्रथम कहते हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मार्शल हॉल। मार्शल हॉल ने खोजा, क्या खोजा, इस प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया को सर्वप्रथम किसने बताया, किसने खोजा, मार्शल हॉल ने। अब देखिए, एक चीज हमने केवल परिभाषा दिया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, वायु उद्दीपन के कारण हमारे शरीर में होने वाला वह अनैच्छिक कार्य जिस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता, वही क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। यानी कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित, कंट्रोल नहीं होती है। इस पर मुख्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाओं पर किसका नियंत्रण रहता है कि मेरुरज्जु का, मेरुरज्जु का नियंत्रण रहता है।
यानी कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उस पर मुख्यतः किसका नियंत्रण रहता है, मेरु रज्जु का नियंत्रण, यानी कि स्पाइनल कार्ड का। स्पाइनल कार्ड क्या करती है, ये कंट्रोल करती है, कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जो मेरु रज्जु होती है, स्पाइनल कार्ड होती है, वही प्रतिवर्ती क्रियाओं को मुख्य रूप से नियंत्रित करती है। मस्तिष्क का प्रभाव इन प्रतिवर्ती क्रिया के ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे कि अब कुछ उदाहरण देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के क्या उदाहरण हैं, तो उसे ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। कि जैसे देखिए कि हम एक चीज कहते हैं कि अगर हमने कोई बहुत ही गर्म वस्तु छू लिया, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म चीज है, उसको जैसे ही हम छूते हैं तुरंत हमारा हाथ पीछे की तरफ खिंच जाता है, गर्म वस्तु से दूर हट जाता है, खींच लेते हैं हम तुरंत अपना हाथ, इसके पहले कि हमारा ब्रेन सोचे कि ये चीज बहुत गर्म है, हमें हाथ को हटा लेना चाहिए, तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। जैसे गर्म कुकर है किचन में रखा हुआ है, आप गलती से उसको छू लिए तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तुरंत ही सेकेंड के कई हिस्से में ही, कम हिस्से में ही हमारा हाथ वहां से हट जाता है। यहां तक कि ब्रेन अभी इसको सोचा नहीं रहता है कि ब्रेन को हाथ को हटाना है, इसके पहले हमारा हाथ वहां से हट जाता है। यही क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। या फिर हम किसी के हाथ में अगर पिंच हो दे तो वह अपना हाथ क्या करेगा, तुरंत ही खींच लेता है, इसके पहले कि ब्रेन सोचे कि पिंच हो रही है, दर्द हो रहा है, हटाओ, तो उसके पहले ही हाथ वहां से हट जाता है। या हमारे सामने अगर कोई जानवर आ जाए, बच्चा आ जाए, हम गाड़ी चला रहे हैं, तुरंत हम ब्रेक लगा देते हैं। हमारे पलकों के सामने अगर कुछ चीजें आती हैं तो तुरंत हमारी आंखों की पलकें बंद हो जाती हैं। हमारा खाना खाते समय अगर खाने का कोई कण हमारे श्वास नली में चला जाए तो हमें तब तक खांसी आने लगती है। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वह बहुत ही तीव्र गति से होती है, अनायास होती है, सहज तरीके से यंत्रवत घटित हो जाती है, उस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता है, मुख्यतः यह मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो एक चीज होती है कि जैसे मान लीजिए कि प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है इसके किस तरीके से यह घटित होती है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो संवेदी अंग है, संवेदी अंग, मान लीजिए कि कोई गर्म वस्तु है तो सबसे पहले कि गर्म वस्तु को छूएंगे तो वो हमारे संवेदी अंग तक, उस वस्तु की गर्मी संवेदी अंग तक जाएगी, संवेदी अंग से इसकी सूचना कहाँ जाएगी, हमारे इस मेरु रज्जु तक जाएगी, मेरु रज्जु, और मेरु रज्जु से तुरंत वह सूचना कहाँ चली जाएगी, एक बार फिर से इस हमारे अपवाहक अंग तक। अपवाहक अंग का मतलब कि जैसे मान लो कि हमने कोई गर्म वस्तु छुआ इस हाथ के जरिए, तो हाथ की जो स्किन है, त्वचा है हमारी, वो क्या है, संवेदी अंग है, संवेदी अंग से ये होता हुआ तंत्रिका कोशिकाओं के जरिए वह सूचना कहाँ जाएगी, हमारे स्पाइनल कार्ड तक जाएगी, मेरु रज्जु तक जाएगी, रीढ़ की हड्डी में क्या है, स्पाइनल कार्ड है, यहाँ पे जाएगी, यहाँ से तुरंत सूचना जो है दूसरी नर्व के जरिए, चालक तंत्रिकाओं के जरिए, ये कैसे जाएगी, एक तंत्रिका तंत्र के जरिए मेरु रज्जु में जाती है, जिसे क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं, और फिर जब मेरु रज्जु तक जाएगी तो मेरु रज्जु उसको कैसे पहुंचाएगा, बॉडी के अपवाहक अंग कौन होती है, हमारी मांसपेशियां, तो मेरु रज्जु से फिर चालक तंत्रिका के जरिए वो सूचना कहाँ चली जाएगी, अपवाहक अंग यानी हमारी बॉडी की मसल तक। जैसे हमने गर्म चीज को छुआ, मान लो ये मारकर बहुत गए, हमने छुआ तो ये संवेदी अंग है त्वचा, फिर ये कहाँ जाएगा, हमारे स्पाइनल कार्ड में जाएगा, स्पाइनल कार्ड इसी हाथ में क्या है, संवेदी तंत्रिका से होता हुआ वो सूचना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारी मेरु रज्जु में गया, मेरु रज्जु से फिर चालक तंत्र के जरिए हमारी हाथ की मांसपेशियों यानी अपवाहक अंगों तक आएगा, और अपवाहक अंग क्या करेंगे कि उसके तुरंत ही उस कार्य को संपादित कर देंगे, यानी कि तुरंत हमारा हाथ उस गर्म वस्तु से हट जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो
प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसमें यही दो मुख्य काम होते हैं, संवेदी अंगों से सूचना का मेन रज तक जाना। कैसे जाती है? संवेदी तंत्रिका तंत्र के जरिए संवेदी तंत्रिकाएं ले जाती हैं। संवेदी तंत्रिकाओं को हम क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। और ये जो होती है ये मोटर नर्व के जरिए चालक तंत्रिका तंत्र के जरिए आता है और हाथ वहां से हट जाता है। तो ये तो हो गया कि इसके दो घटक हैं, दो सोपान हैं, दो चरण हैं, इस तरीके से प्रतिवर्ती क्रिया घटित होती है। लेकिन हम एक चीज को अब देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं किस तरीके से घटित होती हैं, और वो हम डायग्राम बना करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो संवेदी तंत्रिका के तंत्र के जरिए जाती हैं, और मेरुरज का डायग्राम क्या है चित्र बना करके हम देखेंगे, और चालक तंत्रिका तंत्र के जरिए किस तरीके से वो वापस आता है उसको भी देखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि, यानी कि हम एक तरीके से कहें कि मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले हम तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। देखिए इस तंत्रिका तंत्र में जो स्पाइनल कार्ड का स्पाइनल कार्ड होती है वो एच आकार की होती है, जो उसका ग्रे मैटर होता है दूसरा द्रव्य वो एच आकार का होता है, यानी कि इस तरीके से। देखिए ये जो है क्या है? मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु में ये मेरुरज्जु में जो स्पाइनल नर्व होती है इसमें से मेरुरज्जु हमारी जो बॉडी होती है उसमें ये स्पाइनल कार्ड इस वर्टिब्रा के बीच में रहती है, और हर वर्टिब्रा से दो ब्रांच निकलती है। तो इसको क्या कहते हैं कि ये इसके बाहर वाला जो मैटर होता है इसे क्या कहते हैं? श्वेत द्रव्य, श्वेत द्रव्य। और इसके अंदर जो पदार्थ भरा मैटर जो रहता है इसको क्या कहते हैं? दूसर द्रव्य, दूसर द्रव्य। यानी कि ये एक व्हाइट मैटर और ये क्या होता है? ग्रे मैटर, दो तत्व। अब इसमें से जो दो ब्रांच निकलती है एक तो इस तरफ निकलती है ये, और एक इधर निकलती है। तो इस वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं कि पृष्ठमूल, पृष्ठमूल। और इधर से स्पाइनल कार्ड की जो दूसरी ब्रांच निकलती है उसे क्या कहते हैं? अधरमूल। ठीक है, अब देखिए कि ये ब्रांच दो निकलती हैं स्पाइनल कार्ड की, जो स्पाइनल नर्व्स होती है तो जो स्पाइनल कार्ड से उसकी दो ब्रांच निकलती है, पृष्ठमूल और अधरमूल। इसको डार्सल रूट, इसको वेंट्रल रूट कहते हैं, वेंट्रल रूट। और ये क्या है? डार्सल रूट, यानी कि जो हमारी ये मेरुरज्जु है जो रीढ़ की हड्डी के बीच में है वहां से स्पाइनल कार्ड की दो ब्रांच निकलती है एक साइड में, दो इस तरफ और दो इस तरफ, इधर एक डार्सल इधर एक वेंट्रल श्वेत। इधर को क्या कहते हैं? पृष्ठमूल अधरमूल, पृष्ठमूल इधर अधरमूल, दोनों तरफ बॉडी के। तो इसमें से एक ऊपर वाली को डार्सल रूट कहते हैं, और यहाँ पे आगे चल करके वो क्या बनाती है कि डार्सल रूट गैंग्लियन,
क्या बनाती है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन, यानी कि इसको हम कहते हैं पृष्ठ मूल गुच्छक, ठीक है। और ये इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये एक्चुअली जैसे अब हमारी हाथ में ये दोनों ही ब्रांच रहती हैं। अब हम कहें कि ये मान लो कि ये क्या है, संवेदी अंग, संवेदी अंग है। तो संवेदी अंग में, संवेदी अंग क्या करेंगे कि संवेदी अंग में मान लीजिए कि इसमें क्या लगी, हीट, इसमें इसमें गर्मी है, गर्म वस्तु, गर्म वस्तु जब इस संवेदी अंग पे इसको टच करेगी तो इसकी सूचना इस तरीके से ये नर्व्स के जरिए जाएगी और ये होती हुई कहाँ चली जाएगी कि इस के धूसर द्रव्य में, यानी कि जो मेरु रज है उसके धूसर द्रव्य में जाएगी। और धूसर द्रव्य में जब ये पहुंचेगी तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाओं को हम क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। इस सेंसरी नर्व से होती हुई सूचना कहां चली जाएगी, इस मेरु रज्जु के धूसर द्रव्य में। बाहर क्या श्वेत द्रव्य, अंदर क्या है धूसर द्रव्य। धूसर द्रव्य एच आकार का होता है, ये जो स्ट्रक्चर है एच आकार की होती है और इसके धूसर द्रव्य गया और यहीं पर क्या पाई जाती है कि यहां पर एक दूसरे प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं कि सहबंधक न्यूरॉन, सहबंधक न्यूरॉन, या इसको कहते हैं रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। तो जब हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन विद्युत आवेग के रूप में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में वह संवेदी तंत्रिकाओं के जरिए कहां जाएगी कि इस सेंसरी नर्व के जरिए इसमें जाएगी पृष्ठमूल गुच्छक से होती हुई। देखिए जो पृष्ठमूल गुच्छक है उसमें मुख्य रूप से जो नर्व सेल होती है उसकी कोशिका का यानी सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होती है, इन सबसे होता हुआ एक्चुअली वह डार्सल रूट, पृष्ठमूल गुच्छक से डार्सल रूट से इसके धूसर द्रव्य आया, तंत्रिका मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य, धूसर द्रव्य में वह कहां पहुंच गया, सहबंधक न्यूरॉन में। सहबंधक न्यूरॉन उस सूचना को तुरंत कहां दे देगी कि वह सूचना को कन्वे कर देती है इस मोटर न्यूरॉन में, यहां से यह है मोटर न्यूरॉन, यहां से मोटर न्यूरॉन में जाएगी और ये कहां पहुंचा देगी इसको, अपवाहक अंग तक। अपवाहक अंग कौन होते हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियों तक, ठीक है, मांसपेशियों तक पहुंचा देगी और तुरंत ही हम अपना हाथ हटा लेंगे। तो इस तरीके से एक बार फिर से देखिए कि मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि, किस तरीके से प्रतिवर्ती क्रिया संपादित होती है। तो मान लो कि ये हमारा हाथ है, तो ये जो है हमारे हाथ में जो त्वचा है वह क्या है, संवेदी अंग। जैसे ही हम गर्म चीज को छुएंगे, वहां से गर्म चीज से वो संवेदी अंग उस सूचना को कहां दे देंगे कि इस संवेदी तंत्रिका को देंगे। संवेदी तंत्रिका का काम क्या होता है, उस सूचना को हमारे मेरुरज्जु, ऑब्वियसली अभी हमने कहा कि जो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसको मस्तिष्क द्वारा वो नियंत्रित नहीं होती हैं, वो कहां से नियंत्रित हो रही है, इस मेरुरज्जु के जरिए। तो इसमें से संवेदी तंत्रिकाएं, इस हाथ में संवेदी तंत्रिकाएं इस सूचना को, इस संवेदी तंत्रिकाएं अल्टीमेटली कहां ले जाएंगी कि अब ले जाकर के स्पाइनल कार्ड के इस पृष्ठमूल गुच्छक में, पृष्ठमूल गुच्छक से होती हुई वो कहां चली जाएगी, इस मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य में। धूसर द्रव्य में दूसरी तंत्रिका है, दूसरे प्रकार की तंत्रिकाएं होती है जिसे संबंधक न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन कहते हैं। रिले न्यूरॉन का काम है कि इमीडिएटली उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, विद्युत आवेग को जो कि संवेदी तंत्रिका लाई हुई है उसको जस की तस उसी रूप में उसको किसको ट्रांसफर कर देती है, इस मोटर न्यूरॉन को
तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। रिले न्यूरॉन का यही काम होता है। जैसे देखिए कि क्रिकेट की बॉल मान लीजिए कि बाउंड्री लाइन को टच करने वाली है, तो एक फील्डर दौड़ता है उसको रोकता है और गिरी हुई कंडीशन में ही बॉल उठा करके दूसरे फील्डर को पीछे वाले को देता है और वह उस बॉल को स्टंप्स तक फेंक देता है। हम उस थ्रो को क्या कहते हैं, रिले थ्रो। और उसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि बॉल तुरंत जो है स्टंप्स तक पहुंच जाए। उसी तरीके से सहबंधक न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है कि वह संवेदी तंत्रिका के जरिए जो सूचना आई हुई है उसको इमीडिएटली क्विकली तुरंत ही बिना विलंब के अविलंब किसको ट्रांसफर कर देती है, इस चालक तंत्रिका को। ये क्या है कि दिस इज मोटर न्यूरॉन या चालक तंत्रिका, चालक तंत्रिका को ट्रांसफर कर देती है और चालक तंत्रिका उसको क्या करती है, तुरंत ले जाकर के हमारे अपवाहक अंग इफेक्टर आर्गन यानी कि मांसपेशियों तक देती है और हमारा हाथ तुरंत वहां से हट जाता है। कहां से, उस गर्म वस्तु से हमारा हाथ तुरंत दूर हट जाता है। तो इस तरीके से प्रतिवर्ती क्रियाएं तुरंत ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तुरंत घटित हो जाती हैं और वो हमें किसी अनहोनी से बचाती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया इसी प्रकार से घटित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया की अगर क्रियाविधि आए तो आपको सिर्फ यही बताना है कि संवेदी अंग से जो हमारे हाथ की स्किन है वो संवेदी अंग है, उससे सूचना संवेदी तंत्रिका तंत्र के जरिए हमारे कहाँ चली जाएगी, मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु में जाने के लिए वह पृष्ठमूल गुच्छक में जाएगी, पृष्ठमूल में जाएगी, पृष्ठमूल से फिर वह सहबंधक न्यूरॉन में जाएगी। सहबंधक न्यूरॉन उसको किसको देगा, चालक तंत्रिका को। चालक तंत्रिका फिर उसको अपवाहक अंगों तक पहुंचा देंगी, अपवाहक अंग तुरंत वहां से हाथ हट जाता है। तो दिस द मैकेनिज्म किस तरीके से यह काम घटित होता है अपवाहक अंग। थोड़ा सा एक चीज हम लोग और देखेंगे कि जो देखिए हमारे शरीर में लगभग 90% काम इसी तरीके से प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में ही घटित होते रहते हैं। अब हम एक चीज और देखेंगे थोड़ा सा कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, ओरिजिन के आधार पे वो कितने प्रकार की होती हैं, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। तो प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की होती है, एक को क्या कहते हैं कि प्राकृतिक, प्राकृतिक या अबंधित, इसको कहते हैं नेचुरल और अनकंडीशन्ड, या इसको इनबॉर्न आर इनहेरिटेड भी कहते हैं। नेचुरल, अनकंडीशन्ड, इनबॉर्न आर इनहेरिटेड रिफ्लेक्स एक्शन। और जो दूसरा प्रकार होता है वो क्या है कि बंधित प्रतिवर्ती क्रिया, या इसको क्या कहते हैं कंडीशन्ड रिफ्लेक्स एक्शन, या इसको हम कहते हैं एडाप्टिव। बंधित एक प्राकृतिक या अबंधित, दूसरा बंधित प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए ये जो प्राकृतिक या अबंधित है उसको हम नेचुरल कहते हैं, प्राकृतिक होता है, इसमें किसी सीखने की जरूरत अनुभव की जरूरत नहीं होती, वह इनबॉर्न यानी वो हमारे शरीर में जन्मजात होती। कैसी होती है, जन्मजात, जन्म से हमारे शरीर में वो प्रतिकृति क्रिया पाई जाती है। और इनहेरिटेड वो हमें अपने पूर्वजों से, हमारे पेरेंट्स से, माता पिता से मिलती है। जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम हमारे आंख के सामने अगर कोई चीज आती है तो तुरंत हमारी आंख की पलकें बंद हो जाती,
ठीक है, या फिर हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते समय कोई फूड पार्टिकल, खाने का कण अगर हमारी श्वास नली में चला जाता है तो हमें तब तक खांसी आती रहती है जब तक कि वह खाने का कण हमारी श्वास नली से निकल नहीं जाता है। या फिर हम कहें कि हमें छींक आती है अगर किसी कंडीशन में, तो वो छींक भी कैसी है हमें उसमें सीखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, पैदा हुआ छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, वो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से प्रतिवर्ती क्रिया है जो होती रहती है, उसमें किसी अनुभव की, प्रशिक्षण की आवश्यकता, ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या है, प्राकृतिक या अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे चिड़िया है वो घोंसला बनाती है या माइग्रेशन करती है, देशांतरण करती है, सर्दियों के सीजन में साइबेरिया की जो क्रेन होती है वो यहाँ चली आती है, इलाहाबाद में संगम किनारे चली जाती हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में चली जाती हैं। तो ये क्या है, देशांतरण, घोंसला बनाना, खांसी आना, छींक आना, पलकों का बंद हो जाना, ये सब कोई छोटा बच्चा है उस छोटे बच्चे के हाथ में अगर कोई चीज रख दो तो वो तुरंत कस करके मुट्ठी बांध लेता है, ये सब कैसी हैं, प्राकृतिक या अबंधित, नेचुरल, अनकंडीशनड, इनबॉर्न या इनहेरिटेड रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन दूसरी, इसके उदाहरण आपने मैंने बताए, दूसरी जो है बंधित प्रतिवर्ती क्रिया है, इसमें हमें क्या होता है कि ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, सीखने की, अनुभव की, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कि आप झुक करके पत्थर उठाते हैं, कुत्ता देखता रहता है तो वो तुरंत वहां से भाग जाता है, कि अगर उसको तभी भागेगा कि वो पहले देखा रहता है कि कोई झुक करके पत्थर उठा के मारता है तो लग जाती है उसको, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग जाता है। या अगर हमें खाने को नहीं देख रहे हैं, कोई स्वादिष्ट खाने की महक हमारे पास तक आती है तो निश्चित रूप से हमारे मुँह में सलाइवा यानी पानी आता है, वो क्या है, हमें उस स्वादिष्ट भोजन की याद दिला देता है जिसके कारण हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया को हम क्या कहते हैं, बंधित प्रतिवर्ती क्रिया। तो देखिए ये अक्सर प्रतिवर्ती क्रिया परीक्षाओं में पूछी जाती रहती है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार से होती है और प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है। एक चीज और हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कि दो मिनट का काम और हम देख लेते हैं कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। यानी कि रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप क्या है। तो हम एक चीज कहते हैं कि जिस रास्ते से हो करके प्रतिवर्ती क्रिया का विद्युत आवेग चलता है उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी कि वह संपूर्ण मार्ग जिससे होकर के प्रतिवर्ती क्रिया का विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं वह सूचना को किस रूप में ट्रांसफर करती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। तो वह विद्युत आवेग, वह संपूर्ण मार्ग जिससे होकर प्रतिवर्ती क्रिया का विद्युत आवेग चलता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप यानी कि हम एक तरीके से कहें कि अगर ये क्या है, मेरुरज्जु, ठीक है, मेरु रज्जु है, तो ये जो है कि ये संवेदी अंग, ठीक है, अभी जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया था संवेदी अंग से ये प्रेरक तंत्रिका से होता हुआ ये क्या है, सहबंधक न्यूरॉन मेरु रज्जु सहबंधक न्यूरॉन, ये चालक तंत्रिका और यहां पे क्या है, अपवाहक अंग, यानी कि जो संवेदी अंग से जो सूचना है वह प्रेरक तंत्रिका से होता हुआ
वो संवेदी अंग प्रेरक तंत्रिका, मेरुरज्जु से सहबंधक न्यूरॉन से चालक तंत्रिका, फिर अपवाहक अंग। तो एक तो संवेदी अंग हो गया, दूसरा प्रेरक तंत्रिका हो गई, तीसरा मेरुरज्जु हो गया, चौथा सहबंधक न्यूरॉन हो गया, पांचवा ये चालक तंत्रिका हो गई, और छठा जो हो गया क्या हो गया, अपवाहक अंग। ये घटक हैं प्रतिवर्ती चाप के घटक, कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि किस तरीके से प्रतिवर्ती क्रिया में कौन कौन से घटक, अगर पूछ लिया जाए आप कि प्रतिवर्ती क्रिया के कौन से घटक होते हैं, तो संवेदी अंग, प्रेरक तंत्रिका, मेरुरज्जु, सहबंधक न्यूरॉन, चालक तंत्रिका और अपवाहक अंग, इधर से सूचना जाएगी, इधर से सूचना जाती है अल्टीमेटली, और ये मेरुरज्जु के दूसरे तरफ में, यहाँ से चालक न्यूरॉन के जरिए सूचना यहाँ से चली जाती है। इसी संपूर्ण परिपथ को, पूरे रास्ते को, थ्रू विच द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि वह संपूर्ण परिपथ, संपूर्ण मार्ग जिससे होकर के प्रतिवर्ती क्रिया का विद्युत आवेग चलता है, अंत में अपवाहक अंग तक पहुंचता है और वह प्रतिवर्ती क्रिया संपादित हो जाती है, उसी संपूर्ण मार्ग को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और उस प्रतिवर्ती चाप के ये घटक हैं, संवेदी अंग, प्रेरक तंत्रिका, मेरुरज्जु, सहबंधक न्यूरॉन, चालक तंत्रिका और अपवाहक अंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है कि जितने यह जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, नियंत्रण और समन्वय के सारे टॉपिक, जितने भी टिपिकल टॉपिक हैं, उसको बेहतर तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।